गुड मॉर्निंग एंड माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर, यस सर। यस सर। ओके 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 बेटा ओके। सो लेट वी स्टार्ट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ करंट एंड हाउ टू करंट मूव एंड वॉट इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So we already discussed in the previous lecture. So am I audible and my slide is visible to you? Yes, sir. Okay. So let me start from the electric field. So आज हम start करेंगे electric field से. So we discussed about the definition of electric field. So we already discussed that it's a three-dimensional space around the charge in which the force of attraction and repulsion can be felt. That means if this is the charge and this is the three-dimensional space around the charge, when other charge is move near to the this charge, एक ये वाला चार्ज है एंड ये दूसरा वाला चार्ज है। जब इस सेकेंड वन चार्ज को, जो दूसरे वाले चार्ज को चार्ज वन के पास में जब हम लोग लाएंगे, तो एक जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, देर इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑफ चार्ज वन। सो उस स्पेस एरिया में ये एंटर करते ही इसको क्या होगा, इट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। चार्ज टू को अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करेगा। तो ये जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है वो इस चार्ज वन का, जहां से मतलब चार्ज टू ने फील किया, किसको फील किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन में भी, है ना, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। तो चार्ज टू ने जहां पे आके इस तरीके के फोर्स को फील किया, तो वो एरिया क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होगा, ये वाला एरिया चार्ज वन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। सेम इसी तरीके से इफ हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज वन को चार्ज टू के पास लेके जाते हैं, है ना, इफ चार्ज वन इसका मैं क्रॉस नियर टू द चार्ज टू, देन इट फील्स अगेन, इट फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, है ना, फ्रॉम द सर्टेन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो ये जो स्पेस है इन इन दोनों चार्ज की, चार्ज वन एंड देर आर चार्ज टू। सो इन द केस ऑफ चार्ज वन देर आर ए थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द चार्ज, एंड इन द केस ऑफ चार्ज टू देर आर ए थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द चार्ज। तो इस थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर एंटर करते ही दूसरे वाले चार्ज को क्या होता है, एक फोर्स फील होता है, एक फोर्स फील। सपोज दैट ये एक चार्ज है, ये दूसरा वाला चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट होगा, एक 3D स्पेस क्रिएट होगा, जिसको जैसे देखा होगा कि आप लोगों ने कि इनकी कोई इनलाइटेड पर्सन होता है, इसके चारों तरफ एक लाइटनिंग होता है ना पीछे की तरफ, जैसे लॉर्ड रामा की फोटो देखते हो आप, किसी की भी देखते हो किसी, तो उसके चारों तरफ एक इनलाइटेड स्पेस होता है, एक इनलाइटेड एरिया। तो दैट मीन्स वो उसका फील्ड है, वो उसका फील्ड है, वो उसका इफेक्टिव फील्ड है। और उस फील्ड के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन can be felt by the charge. Is it clear, dear? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. So now we will talk about the electric field intensity. Then what is the field intensity? Field ka matlab to tumhe samajh mein aa gaya ki what is the exact meaning of the field? That means the three-dimensional space around the charge in which the force of attraction repulsion can be felt. Okay, so that is called electric field of any charge. So what is field intensity? What is the meaning of intensity? Anyone can tell me the what is meaning of intensity? anyone, it's a positive discussion, it's a healthy discussion, and it's a bilateral discussion. We already talking about that. कि व्हाट इज इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड के सर बारे में आप स्ट्रॉन्ग लोगों ने भी इंटेंस, देखा, सर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी इंटेंस, मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग गुड, जो इंटेंस। एक इम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अराउंड दैट चार्ज है ना, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। सो इट इज द फोर्स। इफ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन हाउ टू डिफाइन इट? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, उसके ऊपर एक जो फोर्स लगता है, फोर्स मे बी द अट्रैक्शन और द और मे बी रिपल्सन, है ना। तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैंने इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एन और एस पोल के सेंटर के अंदर रखा मैंने उसको, तो उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, इट फील्स फोर्स, है ना। तो दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। And it is denoted by capital E, and it is denoted by capital E. Okay, and the unit of this electric field intensity, Newton per coulomb. The unit of this electric field intensity is Newton per coulomb. Okay, so here Newton show the unit of force per coulomb. Coulomb show unit of charge. Okay, so आप लोग यहां से भी एक बार देख सकते हैं कि यूनिट है, यूनिट यूनिट ही डिफाइन करती है किसी भी चीज को। देखना आप कि न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स एंड देन कूलाम इज ए यूनिट ऑफ चार्ज। सो इट जस्टिफाई, इट्स ऑलरेडी जस्टिफाई द डेफिनेशन दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स सी, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड then it feels a force, that in means and newton, it feels a force, that means newton, ठीक है। and it is a vector quantity because it has a direction, it has a direction and particular direction, so it's a 3d view of any electric field. you can see here there are two charges hai na, which is shown by a color, red color and the green color, and around these charges there are a three dimensional space which show the electric field, okay, or in is field ka jo ek impact hai usko maine bola intensity, electric field intensity. So have you cleared the concept of electric field and electric field intensity? Yes sir, clear ho chuka hai wo concept ki what is the exact yes, definition sir, of electric field and what is the exact definition of electric field intensity. Okay, clear. So we move on, electric potential and potential difference. So anyone have an idea about electric potential and potential difference? Because you already read in 12th and 11th standard. So a basic idea, I want to ask only basic idea about the electric potential and the potential. So electric potential is the energy required to bring a unit of positive charge from infinity to that point. Very good, very good, very good. And potential difference, sir, potential difference is the difference of the potential between two points. It is the phenomenon due to which the charge gets transferred. Good, 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 very good, very good. एक्चुअली जो इन्होंने जो बताया है, जो वो किसने बताई ये डेफिनेशन बेटा, किसने बताई ये वाली डेफिनेशन? सर मैंने अभी कभी अभी अभी, वेरी गुड अभी। सो अभी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है, और एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी, टेल द एग्जैक्ट डेफिनेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सो the first of all we will discuss about the electric potential, and what is the electric potential in the electrical circuit? So it is the amount of work done, basically the electric potential is the amount of work done, so it's a amount of work done
अब ये वर्क डन कौन सा वाला वर्क डन है, इट्स ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट दैट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम दिस इज द इन्फिनिटी पॉइंट, दिस इज द इन्फिनिटी पॉइंट. ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज when bringing from the infinity to that given point, and bringing from the infinity to that given point, infinity से इस unit positive charge को इस particular point तक लाने में जो work done हुआ, उस amount of work done को ही हम क्या बोलते हैं, electric potential. That amount of work done is called electric potential. That means it is the amount of work done in bringing a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to that particular point in a electric field. कोई एक इलेक्ट्रिक एक पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये वाला पॉइंट दैट पॉइंट, और कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फिनिटी के ऊपर है. इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जो वर्क डन हो रहा है उसी वर्क डन को मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, यहां से भी इंफिनिटी हो सकता है एंड ये पॉइंट तक आ सकता है ना. यू अज्यूम दैट द इंफिनिटी पॉइंट, हेयर इज द इंफिनिटी पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट. यू कैन ऑल्सो अज्यूम हेयर द इंफिनिटी पॉइंट एंड देन ब्रिंगिंग दैट एट दैट पॉइंट. सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वॉट, कूलाम, यू कैन से जूल पर कूलाम. द SI यूनिट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय जूल्स पर कूलाम, जूल्स पर कूलाम, और यू कैन से वोल्ट. ठीक है, तो वोल्टेज की यूनिट में क्या देता था, वोल्ट, है ना, हम लोग वोल्ट में लिखते हैं वी, कैपिटल वी, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल वी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have discussed the definition of electric potential. Then what is the definition? It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in the electric field. So that amount of work done is called electric potential. And second one, we have discussed that it's a scalar quantity. Then we discussed about the unit of that electric potential. Then what is the unit of electric potential? You can say joule per coulomb, or you can say volt, or you can say volt. So it's a animated video of any electric potential, how to flow the charges in the any circuit, and that's shown by this diagram. So what is the potential difference? So what is the potential difference? Okay, so we already discussed about the definition of electric potential. So now what is the potential difference? What is the potential difference? So you can see here in the diagram, when a unit positive charge is bringing from infinity to that point A, okay, and other unit positive charge is again bringing from infinity to that point is called B point. So difference between these point, okay, so difference between these point is called potential difference. And what is the difference in kaun sa difference in dono point ke beech mein, the potential difference between the potential of point A and the potential of point B. So the difference of both potential is called potential difference. Okay, so it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in electric field. So what is the potential difference? It is a amount of work done, it's again the amount of work done, it is again defined by the amount of work done. Ab ye kaun sa work done hai, जब किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मैं लेके जा रहा हूं, मैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी,
ओके, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब मैं लेके जा रहा हूं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जो वर्क डन हो रहा है यहां पे, उस वर्क डन को बोला है पोटेंशियल डिफरेंस. देयर आर टू डेफिनेशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट, क्या कंसेप्ट है इसका, इसके पीछे देखना कि देयर आर टू चार्जेस. ओके, एक चार्ज को इन्फिनिटी से मैं लेके आया पॉइंट ए तक, सेकेंड चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आया पॉइंट बी तक. सो इन दोनों चार्जेस का जो पोटेंशियल आ रहा है, उस पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उस डिफरेंस को मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस. यू कैन ऑल्सो से, और यू कैन ऑल्सो एलिबरेट द अदर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच दैट, कि पोटेंशियल ए से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने पोटेंशियल बी तक पहुंचाया. पोटेंशियल ए से मैं उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी तक लेके गया, तो जो पॉइंट बी तक ले जाने में जो मेरे को वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस. इज इट क्लियर टू टू ऑल? ये सबको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो दोनों डेफिनेशन तुम लोगों ने देखी, दोनों कंसेप्ट देखे, कि तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देर आर टू चार्जेस, and one charges is bringing from infinity to that point, and this charge is, this point is called A, and again other charges is bringing from infinity to that point, and this point is called B. Then there is a certain potential difference of both point, and that difference of certain potentials are called potential difference. So it's again the scalar quantity. If we discuss about then the potential difference is a scalar or the vector quantity, then it's again a scalar quantity, because the potential is also the scalar quantity, then potential difference is also a scalar quantity. Then what is the unit of this potential difference? Potential and potential difference have the same unit, joule per coulomb. Joule per coulomb, or you can say volt. You can say volt. So what is the main significance of this potential difference? इस potential difference के क्या significance है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? Basically किसी भी चीज को हम लोग क्यों study करते हैं? सबसे पहला question क्या आना चाहिए? WH word हमेशा use में लेना चाहिए जब भी हम लोग करते हैं. Why, what, why, when? क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? So एक अच्छे स्टूडेंट्स की एक यही मतलब जो एक आइडेंटिटी होती है कि वो WH वर्ड यूज करता है. WH वर्ड किसी को बोदर करने के लिए नहीं, जानने के लिए, है ना, जानने के लिए, फॉर इंक्रीज योर नॉलेज, है ना. द गुड स्टूडेंट ऑलवेज यूज द WH वर्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम हियर. सो व्हाई वी रीड अबाउट द पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट? सो You can see here in the point 4 that it is responsible for the flow of current in the conductor. It is responsible for the flow of current in a conductor. The flow of current in a conductor. So the fourth point is saying that it is responsible for the flow of current in a conductor. So kisi bhi conductor ke andar jab current flow karti hai from one point to another point, kisi bhi conductor ke andar, kisi bhi conductor wire ke andar jab bhi koi current flow karti hai, wo us current ke flow karne ka ek hi reason hai, potential difference. Current ko flow karne ka ek hi reason hai, potential difference. Kyunki current hamesha जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कंडक्टर के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट मींस हाई पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल. तो करंट फ्लो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. सो इट इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर. तो पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? करंट फ्लो के लिए किसी भी कंडक्टर के अंदर. और पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल को मेजर करने की डिवाइस कौन सी है? इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द वोल्टमीटर. इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड वोल्टमीटर.
सो वोल्ट मीटर यू कैन से द वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो वोल्ट मीटर एक ऐसे डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को और पोटेंशियल को एंड इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट, है ना. वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो यू कैन सी हेयर दिस इज द पॉजिटिव चार्जेस, हाई पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज रिप्रेजेंट बाय हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट्स. सो इट्स साइंड बाय द लो पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है वो तुम देख सकते हो. किसी भी कंडक्टर के अंदर इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. ठीक है, डिफरेंस कब क्रिएट होता है? एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस कब क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है? इफ देर आर टू क्वांटिटीज एंड बोथ आर द सेम, देन हेयर इज एनी डिफरेंस और नॉट? इफ देर आर टू क्वांटिटीज, इज देर एनी डिफरेंस और नॉट? इफ देर आर टू क्वांटिटीज एंड विच आर सेम इन द मैग्नीट्यूड एंड सेम इन द फेज, देन देर इज एनी डिफरेंस क्रिएटिंग और नॉट? नो सर, नो, है ना. सो इफ द वन क्वांटिटी हैव द ग्रेटर मैग्नीट्यूड एंड द अदर क्वांटिटी हैव द लेस मैग्नीट्यूड, देन डिफरेंस क्रिएट और नॉट? यस सर. कोई एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम है, तो डिफरेंस क्रिएट होगा? यस सर, होगा ना. ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं. डेली यूज का एग्जांपल है, डेली यूज का एग्जांपल. ओके, एक पाइप लेते हैं हम लोग. ठीक है, घर में भी देखा होगा हमने, एक पाइप लेते हैं. दिस इज द ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड है, कोई अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर ये पाइप रखा हुआ है. ठीक है, मैंने वाटर इनलेट किया इस साइड से, मैंने वाटर इनलेट किया. जब सेम अगर ये जो अर्थ सरफेस देखी है तुमने, ये इरेगुलर नहीं है, स्मूथ है और कोई स्लोप नहीं है, तो क्या ये वाटर यहां तक आ पाएगा? मैंने सिंपल से वाटर डाला, मैंने सिंपल से विदाउट एनी प्रेशर आई पुट आई इनलेट द वाटर दिस साइड, है ना. नो, देन कैन वी गेट द वाटर फ्रॉम दिस साइड? नो. सर, रिपीट क्वेश्चन वंस मोर. दिस इज द अर्थ सरफेस व्हिच इज नो. यस. दिस इज द अर्थ सरफेस. This is the earth surface which is not irregular surface, which is a smooth surface, and there is no slope in the earth surface. It will not flow. इस earth surface के अंदर कोई slope नहीं है, और मैंने पाइप को ऐसे कैसे रख दिया? ठीक है, इस earth surface के ऊपर रख गया. There was no any slope in the earth surface and pipe put on this earth surface, then when I inlet the water from this side, then can we get the water from this side? No, sir. If there is a tilted surface and the pipe is put on that tilted surface, then I inlet. मैंने यहाँ से पानी डालना start किया, तो क्या इस surface यहाँ से मेरे को outlet मिलेगा पानी का? Water मेरे को मिलेगा यहाँ पे? Can I get the water from this side? If I inlet the water from this side, then can I get the water from this side? When a tilted surface, when the pipe put on this tilted surface, am I audible to you? Hello? Yes, sir. हाँ, तो क्या मेरे को water मिलेगा यहाँ पे side में मिलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने अर्थ सरफेस ली है, कुछ टिल्टेड स्लोप है, मिलेगा स्लोप है ना, ठीक है ना. हाँ, स्लोप है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बोथ कंसेप्ट? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड
this concept potential difference no no it's maine ek simple example liya hai potential difference in the when we talking about the electrical circuit then we talk about the potential difference sir in this Here, case there was the, in the first case there was no force but in the second case there was the force of gravity matlab under gravity wo ja raha hai okay okay agar main simplicity mein baat karu ek simplicity mein baat karu ki यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना कि ये देखो कि यहाँ पे देखा होगा तुमने कि ये हाई एल्टीट्यूड वाला एक सरफेस है बट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसका एल्टीट्यूड क्या हो गया लो एल्टीट्यूड हो गया है दैट मीन्स लो मतलब वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड ये क्लियर है तुम्हें क्योंकि यहाँ पे देखा होगा कि स्लोप ज्यादा है दैट मीन्स हाई हम उसको सिग्निफाई करते हैं हाई टर्म में हाई यहाँ पे अर्थ सरफेस जो है ये टिल्टेड कम है एकदम ग्राउंड पे आ गया है दैट मीन्स इसका लेवल क्या है लो लेवल इट्स ए हाई लेवल एंड इट्स ए लो लेवल सो वॉटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल इसी तरीके से करंट जो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज इट क्लियर बेटा क्लियर एम आई ऑडिबल क्लियर सर ऑडिबल क्लियर ये एक सिंपल एग्जांपल था ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसका कोई रिलेशन नहीं है बट ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए था कि यहां पे लेवल ये लेवल है किसका लेवल है एनर्जी लेवल पोटेंशियल एनर्जी लेवल हाई लेवल एंड द लो लेवल दैट्स क्रिएट ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस सो करंट फ्लो ड्यू टू दिस डिफरेंस तो मैंने ये वाला एग्जांपल इससे एकदम रिलेट किया और मैंने तुम्हें वॉटर के एग्जांपल के फॉर्म में ये बताया कि व्हेन अर्थ सरफेस इज स्मूथ and there are no tilted earth surface there are no slope in the earth surface then water cannot flow without any pressure hai na kuch conditions maine rakhi hain without any pressure okay aur jab maine level iska yahan se maine level iska up kiya is surface ka earth surface ka aur yahan pe maine iska level low kiya to water flow kar raha hai high level to low level to इट्स एनालॉगी है ना इट्स ओनली एनालॉगी इट्स ओनली एग्जाम्पल डेली यूज एग्जाम्पल बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ टू फ्लो द करंट ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ओके सो यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस देर आर ए पोटेंशियल डिफरेंस देन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सर्किट And when the electron flow in the circuit, then there is a certain current. And the current is always flow in the opposite direction of the electrons. Current hamesha jaise electron yahan se yahan move kar rahe hain, to current isse this side move karegi. So current hamesha flow karti hai in the opposite direction of the electron flow. So now we shifted on Ohm's law. Now we shifted on a Ohm's law. So, do you have a basic idea about the Ohm's law? I think you all are studied about the Ohm's law. So, can you tell me about the Ohm's law? Sir, current flowing through your circuit What is the Ohm's directly law? Sir, current flowing yes, through yes. the circuit is directly proportional to the potential difference applied across. Difference between any two points in the circuit, yes. And provided the physical conditions remain constant, like temperature, pressure, and very good. Ghanshyam, have you understood that all concept? क्या आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने discuss की है? Yes, Ghanshyam, Vishal. Okay. So, what is Ohm's law, Ghanshyam? देखो आप ट्राई करके मेरे को बताओ है ना अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई ओके
At least you should try. So what is Ohm's law? Ghanshyam? Okay. You can see here the diagram of, you can see here the picture of a scientist, and the name of scientist is George Simon Ohm. George Simon Ohm. And by name of this scientist, the Ohm's law is created, or you can say the Ohm's law given by that name of this scientist. So it was stated by the George Simon Ohm. Okay. Ohm's law is stated by the George Simon Ohm. And what is the statement of Ohm's law? And what is the state of Ohm's law? It is stated that at constant physical condition. And what is the constant physical condition? What is the physical conditions? Like temperatures and pressure are kept constant. Then the amount of current flowing through a conductor, amount of current flowing through a conductor is directly proportional to a potential difference across its end. किसके एंड की बात कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहा है, पर्टिकुलर कंडक्टर की बात करता है कि अगर हम लोग फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो करंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड across its ends. ठीक है, कि जो करंट है उस कंडक्टर, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के दोनों साइड पे क्रिएट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के दोनों एंड के ऊपर क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. So you can see here I proportional V. The relation is given by I proportional V. And when we remove this proportionality sign, then I equals to V by R. So 1 by R is constant here. If we remove that proportionality sign, then we put it here 1 by R. So now I equals to V by R. And V equals to IR. You can write here from this. V equals to IR. And R is a constant that is called resistance. So, हमने जो इस definition से जो conclusion निकाला, वो निकाला कि I proportional V. And जब proportionality sign को जब मैंने remove किया और हटाया मैंने इस proportionality sign को यहाँ से, तो क्या हुआ? I proportional, I equals to V by R. So 1 by R put किया गया किसकी जगह पे? इस proportionality sign की जगह पे 1 by R. और जब cross multiplication किया गया तो V equals to IR हमें मिला, where R represent a constant and this constant is called resistance and this constant is called resistance. Okay, so this resistance is called this constant is called resistance. So thank you very much for your kind attention.